बेतिया के मडुआहा चौक के नजदीक अपराधियों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बंधक बनाकर आलू से लदे ट्रैक्टर को लूट लिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि से आलू लादकर नौतन आ रहा था। इसी दौरान लगभग 11 हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। विकास कुमार हरसिद्धि से गाड़ी लेके आओ थे, तो मड़ुआहा नहर से आगे मोटरसाइकिल से 10-11 आदमी क्रॉस कर आगे से, उसके बाद पीछे से आके हमरा के पकड़ ले गाड़ी से, आ 4-5 आदमी पकड़ के बंदूक दिखा के हमरा के फुलवारी के भीतर ले गए, अब बांध नोन दल। जी, आपको बता दें कि बेतिया के मडुआहा चौक के नजदीक अपराधियों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बंधक बनाकर आलू से लदे ट्रैक्टर की लूट कर ली है। यहां पर अपराधियों ने ट्रैक्टर को रोक लिया और वहां पे जो ड्राइवर थे उसको बंधक बनाकर आलू को लूट लिया। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी बेतिया से मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये जो मामला है जहां पर ट्रैक्टर ड्राइवर को बंधक बनाकर आलू से लदे ट्रैक्टर को लूट लिया गया है, इसमें क्या कुछ अपडेट है अब तक? जी, उसमें अपडेट यही है कि ड्राइवर को बंधक हथियार देखा को बंधक बनाया गया है और उसका मोबाइल छीन लिया गया है। गेहूं का खेत में उसको 1.5 घंटा तक बंधक बनाया गया था, जिसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि 11 हथियार बंद वहां पे थे जो अपराधी, 11 अपराधी थे, इसमें किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है या पुलिस का क्या कुछ कहना है इसमें? जी, पुलिस अभी तक छापेमारी कर रही है लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस से कुछ गुप्त सूचना मिली है कि दियारा में कुछ अपराधी द्वारा ट्रैक्टर को ले गया गया है, जहाँ की पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो 11 हथियारबंद अपराधियों ने एक ट्रैक्टर की लूट कर ली उसके ड्राइवर को बंधक बनाकर। और भोजपुर जिले के बढ़हरा थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी छात्रा को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान एक व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग की, जिसमें बीए पार्ट 1 की छात्रा उमा भारती को गोली लग गई। इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव के ही 4 दबंगों ने ना सिर्फ इस घटना को अंजाम दिया बल्कि दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, जहां शिकायत दर्ज कराने के बाद उनको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। काम कर गई थी घर में, सुबह निकल खाकर मारपीट भी किया ना? हाँ, गलती काम, गलत काम किया। राजा बरिहार थाने में कल एक मामला दर्ज कराया गया था, वो घटना पहले की है। उसके बाद जो उनके परिजन थे वो लोग पंचायती का प्रयास कर रहे थे और पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। अभी हम लोग संज्ञान में आया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, उसमें सभी की गिरफ्तारी। बता दें कि सीतामढ़ी जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपियों ने ना सिर्फ दुष्कर्म ही किया बल्कि उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बता दें कि यह घटना 1 हफ्ते पुरानी है, जिसमें परिजनों ने जब इसमें एफआईआर दर्ज करवाई तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि आरोपियों का अभी तक कुछ सुराग नहीं लग पाया है, पुलिस इनमें पकड़ नहीं पाई है। इस पर पंचायत भी बैठाई गई थी जिसे आरोपियों ने बिल्कुल ही नकार दिया है और पंचायत का भी उन्होंने फैसला नहीं माना है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला तस्कर भी शामिल हैं। इस मामले की पुष्टि डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने की। बताते चलें कि जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें उन्हें सफलता हाथ लगी है। यही नहीं, पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया है।
फिलहाल पांचों तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी, सकरा थाना क्षेत्र के कोरिगम्मा गांव के संबंध में थानाध्यक्ष सकरा को सूचना मिली कि वहां पे कुछ लोग शराब के अवैध धंधे में लिप्त हैं और स्पिरिट से शराब निर्माण का काम करने वाले हैं। इसी सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सकरा के द्वारा अपने टीम के साथ कोरिगम्मा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में वहां अवैध शराब निर्माण से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं, जिनमें कुछ बोटल्स हैं, रैपर हैं, स्पिरिट और कुछ पैकेट्स मिले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। ये आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला तस्कर भी शामिल हैं। इसमें बताते चलें कि जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें उन्हें सफलता हाथ लगी और 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिला भी शामिल हैं। और इसमें हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जी, तो आपको फिर से बता दें कि पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया था, जिसमें 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 महिला भी शामिल हैं और वहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया और मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें तस्करों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले की पुष्टि खुद डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने की। इसमें बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ यह अभियान चलाया। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, यहाँ पर जहरीली शराब पीने की वजह से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। इसमें और कुछ क्या कुछ कहना है पुलिस का इस गिरोह के बारे में, और ये तस्करी कहाँ से चल रही थी, ये शराब जब वहां पे बन रहा था, जिसके पीने की वजह से 8 लोग इससे मर चुके हैं अब तक। जहरीली शराब मामले में मुजफ्फरपुर ने स्पेशल एसआईटी का भी गठन कर लिया है और इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक कटरा और मनियारी मिलाकर के 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। कल छापेमारी हुई थी सकरा थाना क्षेत्र में, उसमें से शराब बनाने के कई सामग्री, रैपर वगैरह जो पैकेट वगैरह होते हैं, वो सब बरामद किया गया था। तो पुलिस का कहना है कि लगातार हम इस मामले को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण मानते हुए हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई के दौरान कई और लोग हैं जो रडार पे हैं, पुलिस के रडार पे हैं, तो कहीं ना कहीं शराब के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस पूरी टीम लग गई है और कार्रवाई के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। कई थाने क्षेत्र में जो है छापेमारी करके शराब का विनष्टीकरण भी किया गया है और SSP जयंत खान के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में विशेष टीम का गठन किया गया है जो लगातार शराब मामले में कार्रवाई कर रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो बताते चले कि 5 तस्करों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल हाल ही में मोतीपुर कांटी इलाके में हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। वहीं इस मामले में ASP ने बताया कि यह गिरोह हथियार के बल पर हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। 22 और 24 फरवरी को 2 लूट की घटना मोतीपुर और पानापुर OP में हुई थी। इसके अलावा एक चोरी की घटना कांटी में हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी की। इन सब कांडों का उद्भेदन हुआ है। इसमें कुल 6 गिरफ्तारी हुई है, मोतीपुर और कांटी पुलिस ने की है। इसमें हम लोगों को 6 अपराधकर्मियों के साथ साथ जो लूटी गई बाइक थी, जो चोरी की हुई बाइक थी, वो भी बरामद हुई है। और जो अपराधकर्मी हैं उनके पास से 3 देसी कट्टे और
और समस्तीपुर में दिन दहाड़े बैंक में हुए लूटकांड के बाद दरभंगा जोन के आईजी अजिताभ कुमार ने समस्तीपुर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितारवरपुर स्थित एसबीआई बैंक में अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े 5,29,000 लूटकर फरार हो गए। वहीं अब इस मामले में आईजी ने बताया कि बैंक में लगे सीसीटीवी के अलावा बैंक कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। बताते चलें कि इस मामले में गश्ती प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। देखिए, उसी की तफ्तीश चल रही है, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी पर्पस में यहाँ पर आया हूँ। इसी बैंक में कल घटना हुई है, ये हम लोग देख रहे हैं। कुछ सुराग भी स्टार्टिंग में मिले हैं, इसमें हमें और वर्क करना होगा, नंबर एक। और नंबर दूसरा, बैंक के जो सुरक्षात्मक जो ये उपाय करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं, मैं देख रहा हूँ उनमें भी कुछ कमी है। और इस तरह के जो बैंक है, जो शहर के बाहर हैं, सिंगल मैन ब्रांच होते हैं, इन सब बैंकों में